Hi, myself Dr. Bhagwat Rajput. I am a senior consultant at Manipal Dwarka, New Delhi, and a professor in a WCMSR Medical College. आज हम एस्पर्जर सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है, बच्चों में पाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। एस्पर्जर सिंड्रोम इज अ सब क्लासिफाइड सिंड्रोम इन द ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बट इसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे ऑटिज्म में ऑफन इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि लैंग्वेज और जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो भी इम्पेयर्ड होती है, बट एस्पर्जर सिंड्रोम में देयर आर ऑफन अ हाई कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स और फंक्शनिंग। उसमें जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं उसमें डिफ़िकल्टीज होती है। पेशेंट सोशली सोशल सर्कमस्टांसेस में आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना या नॉन वर्बल क्यूज़ को पढ़ना या जो सोशल नॉर्म्स है उनको फॉलो करना, ये चीज़ें जनरली नहीं कर पाता है। उसके अलावा इसमें जो कॉग्निटिव डिले जो अक्सर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में पाया जाता है, उस तरह का कोई डिले एस्पर्जर्स में नहीं होता है। इट्स मोर ऑफ कम्युनिकेशन में जो इश्यूज होते हैं पेशेंट के, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में। एस्पर्जर सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन डिफ़िकल्टीज, इन पेशेंट में जो सोशल इंटरेक्शंस है, सोशल नॉर्म्स या जो सोशल क्यूज है या जो सोशल फंक्शंस होते हैं, उसमें वो लोग अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही वो नए रिलेशनशिप बना पाते हैं अच्छे से या उसको मेंटेन कर पाते हैं। उसके बाद होता है काफ़ी बार वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो भी वो अच्छे से नहीं कर पाते, जो नॉन वर्बल क्यूज़ है वो उनको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उसके बाद जो सोसाइटल नॉर्म्स है उनको भी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। उसके अलावा उनमें जो मोटर क्लम्सीनेस या मोटर इनकोऑर्डिनेशंस भी काफ़ी होती है। उसके अलावा दे आर आइदर हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके या ओवर सेंसिटिव होते हैं। दे डू लैक द एम्पैथी एंड द प्रॉपर इमोशनल एबिलिटी टू फॉर्म अ प्रॉपर इमोशनल कनेक्ट विद अदर्स। तो ये मुख्यतः इस तरह के लक्षण उनमें होते हैं। इसके साथ साथ रिपीटेटिव, रेस्ट्रिक्टिव या फोकस बिहेवियर भी इन लोगों में अक्सर पाया जाता है। एस्पर्जर सिंड्रोम जो है, इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो हम पेशेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनसे डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हैं कि हाउ वी डेवलप द मोटर माइलस्टोन, जो है सोशल माइलस्टोन की डेवलपमेंट उसकी किस तरह की रही है, वेदर ही लैग बिहाइंड और वेदर ही हैज अचीव द माइलस्टोन एट अप्रोप्रिएट एज, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन देर इज अ ऑब्जर्वेशनल हिस्ट्री। ऑब्जर्वेशनल हिस्ट्री में उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का रहा है, क्या वो कम्युनिकेट कर पाता है स्कूल में, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर पाता है, या आप जब बुलाते हो या बोलते हो तो आपकी आँखों में आँख मिला के बात करता है या अवॉइड करता है। द ऑब्जर्वेशनल हिस्ट्री कैन बी टेकन फ्रॉम द पेरेंट एज वेल एज द स्कूल एज वेल एज पीयर्स। तो ये इसके आधार पे हम एक क्लिनिकल जजमेंट बनाते हैं कि वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्पर्जर सिंड्रोम और नॉट। उसके बाद इसके कुछ डायग्नोस्टिक टूल भी होते हैं जिसको हम ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इन्वेंट्रीज बोलते हैं, या एक रिव्यू क्वेश्चनरीज होती है जिसको एडॉस और ADER करके ये डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो हम फिलअप करवा लेते हैं और उसके आधार पे द सिवियरिटी एज वेल एज डायग्नोस्टिक जो है बीमारी का वो पता चल जाता है। इसके अलावा जो ICD और DSM है उसमें डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस दी हुई है एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में। तो पेशेंट जो लक्षण बता रहा है, जो ऑब्जर्वेशनल हिस्ट्री में आ रहा है, वो जो DSM और ICD का क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखते हैं और इसके आधार पर एस्पर्जर सिंड्रोम डायग्नोस करते हैं। एस्पर्जर सिंड्रोम के लिए एक बार डायग्नोसिस कन्फर्म होने के बाद अलग अलग तरह से हम काम करते हैं। अगर एस्पर्जर के साथ साथ उसको कोमॉर्बिड एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई और साइकोपैथोलॉजी है या उसके कोई और सीवियर सिम्टम्स है, तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट जैसे कि एरिप्रोप्राजोल, रेस्प्रिडोन से भी मैनेज किया जाता है। उसके साथ साथ जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द थेरेपीज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो भी हम अप्लाई करते हैं ऐसे पेशेंट में जाकि जो उसके जो एडिशनल सिम्टम्स हैं वो जल्दी ठीक हो पाए। उसके अलावा इसमें जो एक एजुकेशनल अप्रोच होता है, एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम बनाते हैं जिसमें जो प्रोफेशनल्स है, उसके टीचर्स है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके अलावा एक सोशल स्किल ट्रेनिंग होता है कि ऐसे बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं ताकि वो सोशल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, सोशल और कल्चरल इवेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि उस चीज़ को एक्सपोज हो, उन चीज़ों को समझे। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर कोई मोटर कोऑर्डिनेशन या सोशल या फाइन मोटर स्किल्स का कोई इशू है तो दैट कैन बी टेकन केयर बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपीज। तो ये चार या पांच प्रकार की जो मॉडेलिटीज़ हैं ये एस्पर्जर सिंड्रोम के डायग्नोसिस में हम फॉलो करते हैं।
इसका इलाज पूरी तरह से संभव है अगर पेरेंटल इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर सोशल स्किल ट्रेनिंग एज वेल एज ऑक्यूपेशनल थेरेपीज एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड द मेडिकल मैनेजमेंट। जो एग्रेसिवली हम लोग इन तरह के केसेस मैनेज करते हैं और जो पेरेंट एजुकेटेड होते हैं, कंसिस्टेंटली फॉलोअप रखते हैं, उस केसेस में हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। रिलैप्स की पॉसिबिलिटीज़ होती है या कभी सिचुएशनल सिम्टम रिलैप्स की पॉसिबिलिटीज़ होती है, बट उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं अगर कंसिस्टेंट थेरेपीज, मेडिकेशन और पेरेंटल सपोर्ट, सोशल स्किल ट्रेनिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हम प्रॉपर वे में करते रहेंगे तो जो रिलैप्स की संभावना है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। पेशेंट्स विद एस्पर्जर सिंड्रोम ऑफन लीव्स अ नॉर्मल लाइफ। इसमें जो मैनेजमेंट होती है, ओनली थिंग कि व्हेनेवर देयर इज अ रिपीटेटिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दैट इज ओनली अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और द इरिटेबिलिटी एग्रेशन दैट कैन बी टेकन केयर बाय मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। तो जहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट और प्रॉपर साइकोथेरेपी सेशंस कंटिन्यू रहेंगे वहाँ पे इन पेशेंट की जो रिस्पॉन्स है और जो उसकी जो सिम्टम्स है वो इजीली कंट्रोल हो जाते हैं, इजीली मैनेज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें जो सोशल स्किल ट्रेनिंग है, स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम है और फैमिली थेरेपी है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इन तीनों चीज़ों में जो पेरेंट्स हैं उनकी भूमिका काफ़ी अहम होती है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स के साथ मिलके एक प्रॉपर एजुकेशनल स्ट्रेटजी बनाना, उसमें पेरेंट्स को भी एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर जो सोशल स्किल इवेंट्स है उसके लिए जो ट्रेन करना है बच्चों को, जो कल्चर्स है उसके लिए ट्रेन करना है, तो दैट इज़ अल्सो इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज दे शुड हैव, मतलब दे शुड एनकरेज जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर काम करें बच्चे के, और उसको कम्युनिकेट करने में नोन अननोन पर्सन के साथ थोड़ा इनकरेज करें। उसके अलावा जो अपने जो फैमिली का इन्वायरमेंट है उसमें द चाइल्ड शुड फील कम्फर्टेबल एंड ही शुड फील कि ही शुड बी एबल टू कनेक्ट विद इन द फैमिली मेम्बर वेरी इजीली। सो दैट लेवल ऑफ इमोशनल कम्फर्ट सपोर्ट शुड बी गिवन बाय द पेरेंट्स।